तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखेगा, पर तुम्हें कोसने सब आ जाएंगे। कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारी गलतियां निकाली जाएंगी, कुछ अच्छा हो गया तो तुम्हारी किस्मत की तारीफ की जाएगी। ये दुनिया सिर्फ एक सिंपल सा असूल जानती है, जिसकी चलती है ये दुनिया उसी के साथ चलती है। हमेशा याद रखिएगा, अकल जो है ना, ये बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएं, उतनी ज्यादा अकल आती जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा इंसान मुझे दिखा दे, कोई एक इंसान जो कामयाब है और कहता है कि मुझे ठोकर नहीं लगी, या कोई कह दे कि मैं तो एक ही बार में कामयाब हो गया था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गिर गिर कर ही खड़ा होना होता है, हार हार कर ही जीत मिलती है। जो शख्स अच्छे वक्त में आपके साथ चलता है और बुरे वक्त में आपको छोड़ देता है, तो शुक्र कीजिए खुदा का, वो आपके चाहने वाले नहीं थे। ऐसे लोगों की चाहत जिंदगी भर का रोग बन जाती है। अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव हैं, तो फिक्र ना करें, और भी आएंगे, आते ही रहेंगे। आपके पास बस ये यकीन होना चाहिए कि जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हों, मैं उन पर काबू पा ही लूंगा। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारेंगे। दोस्तों, जिंदगी जीना चाहते हो तो मुश्किलों के आगे आगे नहीं, उनके पीछे पीछे भागो। अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो कई नई मुसीबतों को दावत देते हो। जिंदगी में तो कदम कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जिंदगी का असूल है। दोस्तों, कुछ भी करना पर गरीब ना रहना। गरीबी इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब इंसान को तो आदमी अपनी बगल में खड़ा करना पसंद नहीं करता, कोई हाथ नहीं मिलाता, रिश्तेदार दूर भागते हैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? लिखने वालों ने तो ये लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। इसलिए पैसे को कभी बुरा ना कहो, उस वक्त तक जब तक ढेर सारा पैसा इकट्ठा ना कर लो। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना और दूसरों की कामयाबियों पर जलना छोड़ दो। दुनिया का तो यही असूल है कि कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है उतना ही वो खुश है। इस दुनिया के 80% लोग अपने दुखों पर दुखी नहीं हैं। अपनी गलतफहमी को दूर कर लें, वो तो दूसरों के सुख की वजह से दुखी हैं। मुझे नहीं मिला का गम नहीं, गम तो ये है कि दूसरे को क्यों मिल गया, तुझे क्यों मिल गया। आपकी कामयाबी इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप कितनी ईमानदारी और लगन से काम करते हैं। आपकी कामयाबी के लिए सबसे अहम यही दो चीजें हैं कि आपने किस चीज पर कितना टाइम लगाया है और कितनी ईमानदारी से वो काम किया है, बस यही मानी रखता है। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, और उन चीजों में जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता, उनमें आती है सबसे पहले आपकी हंसी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको हंसा सकता है, तो उसे संभाल कर रखिए, वो बड़ा कीमती है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी जिंदगी के बाग में से फूलों को तोड़ तो सकते हैं, फूलों को बर्बाद कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बाग में आने वाली बहार को नहीं रोक सकते। इसलिए परेशान होने, अफसोस करने की जरूरत नहीं। सर उठाओ, हिम्मत बढ़ाओ, आगे बढ़ो और नए फूल लगाते जाओ। एक लड़की ने बड़े दुख से कहा कि बूढ़े मां बाप जो होते हैं ना, उनको घर से निकाल देते हैं लोग। अगर मां बाप को पालने की जिम्मेदारी बेटों की बजाय बेटियों को दे दी जाए, तो कोई भी वालदैन दुखी ना रहे, बेघर ना हो, कोई ओल्ड होम में ना जाए।
तो किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया कि अगर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ ले, उनकी वैसे ही खिदमत करे, उनसे मोहब्बत करे, उनका एहतराम करे, तो पूरी दुनिया से ओल्ड होम्स वैसे ही खत्म हो जाए। दोस्तों, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें कामयाब होने से ज्यादा चांसेस नाकाम होने के होंगे, इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नाकाम हो गया, फेल हो गया तो क्या करूंगा। कोशिश अपनी पूरी करें, ताकत अपनी पूरी लगाएं, पूरी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें, लेकिन अगर ना हुआ, कोई पूछे कि अगर ना हुआ तो बोलो फिर बाढ़ में जाए, पूरी जिंदगी पड़ी है, कुछ और कर लेंगे, मतलब उदास होकर, डिप्रेस होकर, जोग लेकर नहीं बैठ जाना। एक ख्वाब अगर टूट गया है तो आपकी आंखों की रोशनी तो नहीं गई ना, और ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।